आदि पुरुष का टीजर आ गया है और सबका रिएक्शन आप सभी ने देखा ही होगा, इवन इसका ट्रेलर और मूवी भी आएगा। आदि पुरुष को लेकर हमारे टॉप 10 फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म का नाम आदि पुरुष है जिसका एक्चुअल मीनिंग फर्स्ट मैन है, इसका मतलब पहला आदमी। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म को 2 भाषाओं में शूट की गई है, हिंदी और तेलुगु, डब्ड नहीं शूट की गई है। हाल ही में प्रभास को बाहुबली के सदर केकड़ की आवाज में सुन सकते हैं, जो कि एक अच्छी डिसीजन है। फैक्ट नंबर 3, ये फिल्म रामायण एपिक पर बेस्ड है, पर इसके कैरेक्टर का नाम राम, सीता या रावण नहीं, बट प्रभास के कैरेक्टर का नाम राघव यानी श्री राम है। कीर्ति सेनन के कैरेक्टर का नाम जानकी यानी सीता मैया है। सैफ अली खान के कैरेक्टर का नाम लंकेश यानी रावण है। फैक्ट नंबर 4, इस फिल्म का बजट किसी भी इंडियन फिल्म के हाईएस्ट बजट में से दूसरे नंबर पर है। ट्रिपल आर का बजट 550 करोड़ है और आदि पुरुष का बजट 500 करोड़ है। फैक्ट नंबर 5, यह फिल्म रामायण पर बेस्ड होगी, लेकिन टाइम लिमिटेशन को ध्यान में रखकर इसमें फोकस किया जाएगा राम के वनवास से सीता मैया को छुड़ाने तक का सफर। ऑलमोस्ट आप सभी ने रामायण देखा ही होगा। फैक्ट नंबर 6, फिल्म डायरेक्टर के माने तो जापानीज में बनी फिल्म रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर ये फिल्म बनाई गई है। फैक्ट नंबर 8, भूषण कुमार फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने प्रभास के साथ पहले 2 फिल्में की है, नंबर 1 साहो, नंबर 2 राधेश्याम, जो पिट गई थी। मतलब क्या आदि पुरुष भी इस कगार पर आ है, टीजर से तो यही लग रहा है। फैक्ट नंबर 9, इस फिल्म के VFX पर टोटल बजट 250 करोड़ लग गया है। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म के टॉपिक और कास्ट के वजह से फिल्म की ओपनिंग पहले दिन 200 करोड़ और वीकेंड में 800 करोड़ प्लस वर्ल्ड वाइड 1500 प्लस बिजनेस कर सकती है।